इन दिनों प्रदेश सहित जिला सोलन में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध न होने के चलते ये अभियान आरंभ नहीं हो पाया है। जिला सोलन में पात्र लोगों ने पंजीकरण करवाया है और वैक्सीन लगवाने के इंतजार में हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस समय बिल्कुल भी ढील ना बरती जाए व इस जीवन रक्षक कोरोना वैक्सीन को तुरंत उन्हें लगाया जाए। 1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों को अभी वैक्सीन उपलब्ध न होने के चलते वैक्सीन नहीं लग पाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं ने बताया कि उन्होंने सरकार व प्रशासन के कहने पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने इसको लेकर पहले ही अवगत करवाया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके पास वैक्सीन उपलब्ध होगी वैसे ही वैक्सीनेशन का कार्य जारी कर दिया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को यथावत वैक्सीन लगती रहेगी। मेरा नाम वर्षा है। आज से वैक्सीनेशन लगनी थी तो फिर हम वेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है तो हम वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब लगे। मैं सरकार से यही कहती हूँ कि जल्द से जल्द हमें ये वैक्सीनेशन लगे ताकि कोविड से हमें राहत मिले। मेरा नाम बबली है। आज से वैक्सीनेशन लगनी थी 1 मई से, बट लेकिन ये पोस्टपोन कर दी गई है तो हमें सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन प्रोवाइड की जाए ताकि कोविड का खतरा जल्द से जल्दी ख़त्म हो सके। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन पता लगा है भाई अभी वैक्सीन आई नहीं है और कह रहे हैं जल्दी आ जाएगी, एक दो दिन वेट कीजिए। तो सरकार के कहने का मुताबिक जो वैक्सीन आनी थी 1 मई को लग जानी चाहिए थी, तो हम इसी उम्मीद से आज गया था हॉस्पिटल में तो वहाँ बोले जी 2-3 दिन बाद आएगी। मेरा नाम रीना कौशल है। मैं 19 साल की हूँ और मैंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, बट अभी वेट कर रही हूँ मैं कि हमारे को वैक्सीन की जल्दी लग जाए क्योंकि बहुत बुरे हाल है पब्लिक में। हम ऐसे जा नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते और लॉकडाउन टाइप लगा हुआ है, सैटरडे संडे बंद है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए स्टार्ट। जो वैक्सीन हमारी 18 से 44 वाले ग्रुप को लगनी थी वो 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं लग पाएगी, पर 18 से 44 वाला जो ग्रुप है रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। सब लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कराते रहें क्योंकि किसी भी आदमी को स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। पर साथ में जो 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लग रही थी वो जैसे लग रही थी वैसे ही लगती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।